हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल एवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज करने वाले हैं न्यू टॉपिक स्टार्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज हिंदी में बोल सकते हैं प्रतिशत। प्रतिशत होता है क्या, पहले ये जानते हैं। देखो, प्रतिशत को अगर मैं अलग करूं प्रतिशत, तो आप पाओगे प्रति प्लस शत। शत का मतलब तो सैकड़ा, और प्रति का मतलब होता है एक। मतलब किसी भी वैल्यू की कैलकुलेशन किस पे करें, 100 से तुलना करें, 100 से कंपेयर करके चले, इसका मतलब यही है, करें या करना। ठीक है, अब देखो प्रतिशत में एक चीज बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि 10%, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक है ना, 10 का 1/100 निकालोगे तो आप कहोगे तो 1/10 आएगा। ये जो होगी इसे कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, और इसे जो बोलते हैं इसे बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। तो आपको दोनों चीज बताई मैंने, फ्रैक्शनल वैल्यू परसेंटेज वैल्यू, दोनों का मतलब बताया मैंने आपको। ठीक है ना, अब देखो आगे सब चलते हैं, आगे क्या सीखते हैं वो देखते हैं। अब मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शनल वैल्यू दोनों बता दिए क्या क्या होता है। देखिए, आप क्या करो कि एक फेयर कॉपी लेना, उस पर आप उस परसेंटेज वैल्यू को लिख लेना, जिससे कि आपको याद हो जाए। ठीक है ना, जैसे 37.5 की है, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, 3/8 होती है फ्रैक्शनल वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप सारी लिख देना, जैसे कि आपसे परसेंटेज 25 की पूछ ले, है ना, और आपसे 12.5 की पूछ ले, जैसे कि इसकी 1/8 होती है, सॉरी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। तो ये आप सब चीज आपको पता होना चाहिए, तो ये सब थोड़ा सा लिख लेना, याद कर लेना। अगर आपको जरूरत है कमेंट करके बता दीजिए, मैं क्या आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। तो आप, तो मैंने आपको चेंज करना बताया। देखो, मैंने बताया था एक होती है वैल्यू, ठीक है, एक होती है परसेंटेज वैल्यू, देखो वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू में अंतर क्या है वो बता दो। देखो, किसी वैल्यू का हमें परसेंटेज या परसेंट का वैल्यू में इसमें हमें चेंजिंग करनी है, तो देखो क्या लिखेंगे। जैसे कि मुझे 500 में से 400 मार्क्स मिले या पैसे मिले, कुछ भी कह सकता हूँ इसे, कुछ भी। ठीक है, वो तो मेरी मर्जी है, कुछ भी कह लो, उसमें कोई नहीं है कि नहीं ये कहना है, कुछ भी कह सकते हो। तो मैं कहूंगा कि इस 400 का इससे कंपेयर करके फ्रैक्शन वैल्यू, वो परसेंटेज वैल्यू बताइए। तो जो मैं परसेंटेज वैल्यू बताऊंगा इसका होता है प्रारंभिक मान। ठीक है, यहाँ पे जो है कितनी, यहाँ पे जो लिखना ऊपर वो लिखना है जो प्राप्त वैल्यू, मतलब जिसका हमें फ्रैक्शन वो परसेंटेज निकालना हो। ठीक है, और इनटू 100 से कर देंगे। तो जैसे कि मुझे 400 का निकालना है, तो आप कहो 400 नीचे लिख दो,
500 नीचे लिख दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मैं देखूंगा 80% हो गया। क्या हो गया? 80%। तो आप ऐसे करके निकालोगे। एक और बताता हूँ आपको, जैसे कि आपसे कोई 500 का 30% पूछे कोई, क्या होगा? तो इसमें ज्यादा मोड़ नहीं मारेंगे हम क्या करेंगे, देखो कैसे निकालेंगे। 500 30 परसेंटेज हटाए नीचे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 3 15, तो क्या आ गया, 150 हमारी वैल्यू आ गई। लेकिन देखो हम ऐसा नहीं करेंगे, इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हमें थोड़ी कैलकुलेशन फास्ट रखनी पड़ेगी। इसमें हम बेस निकाल सकते हैं कैसे, मैं कहूँगा 500 10% 50 तीन बार हो रहा, क्योंकि 30 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, आप कहोगे 10 10 10, मतलब 50 50 50, तो ये 150 हो गया, मौखिक हो जाएगा, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। अब देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ एक और तरीका। जैसे कि मैं कहूँगा आपसे 250 है, 250 का 25% निकालो। तो देखो मैंने अभी आपसे क्या कहा था, इसमें कुछ नहीं करना, 25 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, 10% 10% और 5%। तो मैं कहूँगा इसका 10% क्या आएगा, आप कहोगे 25 आएगा, फिर 10% 25, तो 20% की वैल्यू तो सीधी सीधी 50 हो गई, ठीक है। 10% की वैल्यू मैंने बोला था आपको 25 है, 5% की इतनी हो जाएगी, क्या हो गया इसका आधा हो जाएगा, फिर तो 12.5 और ऐड कर दी मैंने, तो आप हो गए इस हिसाब से 62.5 आंसर। समझ रहे हो ना मेरी बात को, समझने की कोशिश करो, ऐसे निकालेंगे। मैं आपको एक और फ्रैक्शन करना सिखाता हूँ, मतलब ऐसी वैल्यू निकालना बताता हूँ। मैं कहूँगा आपसे ये, इसका मैं कहूँगा आपसे कितना बता दूँ आपको, 11% निकालना है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, मुझे मालूम इसका 10% निकालना है, तो ओनली एक जीरो कम होगी, कितनी जीरो कम होगी, एक जीरो। अब क्या है, 11 को क्या लिख सकता हूँ, 10+1 ये लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको 1% निकालू तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, तो आप कहोगे ये बचेगा, इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये से हम निकाल सकते हैं, मौखिक निकाल सकते हैं, हमें पेन एंड पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अच्छा ये तो इंट्रोडक्शन का मतलब बताया था मैंने, अब हम पढ़ेंगे क्या परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज में हम पढ़ेंगे पहला बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। दूसरी चीज क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी चीज क्या पढ़ेंगे, देखो हमने क्या बेसिक और परसेंट पढ़ेंगे, दूसरे नंबर बेसिक वो प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी जो चीज पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे डिस्काउंट, क्या पढ़ेंगे, डिस्काउंट, ठीक है ना, तीसरी चीज हो गई। अच्छा जी अब क्या पढ़ेंगे, चौथा क्या पढ़ेंगे हम, SI, इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब पांचवा क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे CI से बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। छठवा क्या करेंगे, इन दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे, ठीक है, कंपाउंड SI एंड CI, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने ये इस तरह से परसेंटेज को हम खत्म करेंगे। तो अब देखो बेसिक्स का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, बेसिक्स में क्या है कि परसेंटेज वैल्यू कैसे निकालनी है, ठीक है, मतलब परसेंटेज वैल्यू को किसमें चेंज करना, फ्रैक्शनल वैल्यू में, और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। ये तो बेसिक हो गया, और बेसिक में कुछ कुछ ऐसे होते हैं इतने कितने परसेंट किया हुए, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे,
आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिक से क्या मतलब है। अब मैं किस किसके बारे में बताऊंगा, प्रॉफिट लॉस के बारे में। देखो प्रॉफिट लॉस के बारे में जानने से पहले हम पहले सीखेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लागत मूल्य भी बोल देते हैं। दूसरा हमें पाल मालूम चलना चाहिए क्या सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। अब ये सेलिंग प्राइस होती है इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, अब आता लास्ट, लास्ट में ये आता प्रॉफिट। प्रॉफिट से हम कहते हैं क्या लाभ। अब आता लॉस, लॉस का मीन्स होता हमारी हानि। अब देखो ये सब क्यों बता रहा हूं, एक बात बताइए, क्रय मूल्य का मतलब होता है, मैंने मतलब कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्या लागत मूल्य, और सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पे हो गए, अच्छा लागत मूल्य क्या होता है, या फिर इसको हम ये कह सकते हैं जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई हो, और विक्रय से तो आप खुद नाम से पता कर सकते हो बेची गई हो, समझ रहे हो ना। तो अब देखो मैं कहूंगा मुझे प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज में, अच्छा मैं इसको तो सी से लिखूंगा, इसको एस से लिखूंगा, इसको पी से लिखूंगा, प्रॉफिट को एल लॉस, मतलब शॉर्ट में लिखने की कोशिश करूंगा जिससे कि टाइम हमारा कम जाया करे। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है किसी चीज में, इसका मतलब हुआ क्या हुआ, मैं ज्यादा की चीज खरीदी कम की बेची तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, अगर मैं करूँ लॉस हो रहा है तो आपने क्या ज्यादा की तो क्रय कर ली मतलब खरीदी, और कम की बेच रही तभी तो हमें लॉस होगा। क्लियर बात है, प्रॉफिट परसेंटेज और मतलब या चलो मैं अलग से लिख दूंगा इसको, और लॉस परसेंटेज निकालने का तरीका सेम है क्या, यहाँ पे प्रॉफिट कितनी ये कितनी होगी, ये न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, और नीचे जो आएगा हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा मल्टीप्लाई 100, ऐसे ही यहाँ पे लॉस होगी कैसी न्यूमेरिकल वैल्यू, नीचे सी आएगा मतलब कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। ये चीज जो हमने निकाली ये तो हमारे बेसिक बेसिक्स का इंट्रोडक्शन है। अब क्या करेंगे, अब मैं बताता हूँ आपको लीनियर इक्वेशन। ठीक है, आपको एक लीनियर इक्वेशन बताता हूँ जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा, वो क्या होती है पी अपॉन पी परसेंटेज। चलो तो मैं सी से चालू करता हूँ। ठीक है, लीनियर इक्वेशन, अब प्रॉफिट एंड लॉस में लीनियर इक्वेशन कोई नहीं लगाता होगा, पर मैं बताता हूं आपको कैसे लगाएंगे। सी अपॉन 100, सी जानते हो कॉस्ट प्राइस, पी अपॉन पी परसेंटेज। ठीक है, इसको अच्छी तरह से लिख देता हूँ, गलत ना समझो, इक्वल टू एस अपॉन 100 प्लस पी परसेंटेज, दूसरी सी अपॉन 100 एल अपॉन एल परसेंटेज, एस अपॉन 100 माइनस एल परसेंट। अब आप कहोगे इनका यूज क्या है, इनका यूज क्या है, यूज तो देखो कुछ नहीं है मैं तो ये कहता हूं, पर क्या है कि आपको आना चाहिए क्योंकि मैं फॉर्मूला बेस आपको नहीं पढ़ाऊंगा, फॉर्मूला करोगे तो भूल जाओगे, तो इसलिए मैं आपको उस तरह से कराऊंगा, फॉर्मूले की जरूरत पड़े ना और क्वेश्चन आपके
निकल आए। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो अब ये हो गया प्रॉफिट लॉस हो गया। अब उसके बाद मैंने बताया था नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट पहली बार जो डिस्काउंट है जिसे बट्टा कह देते हैं, बहुत से छूट भी कहते हैं हमेशा। ठीक है, एमआरपी पर दी जाती है। छूट किस पे दी जाती है? एमआरपी पर। ठीक है, और लाभ मतलब प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। ध्यान रखना देखो इन बातों को। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैंने क्या कहा कि कोई, अच्छा एमआरपी मतलब बोलते हैं इसको हम, अंकित मूल्य भी बोलते हैं डिस्काउंट एमआरपी को। एमआरपी ना, ये सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, सीधा करता हूं इसको, ये हो गया सीधा एमआरपी। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोल देते हैं अंकित मूल्य। ठीक, तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पे देते हैं, तो दवाई पे लिखी रहती है एमआरपी, याद करो थोड़ा सा, तो एमआरपी पर उसी पे तो डिस्काउंट देंगे। अगर सपोज करो कि किसी वस्तु को, इन दवाई को बनाने की लागत मतलब खर्चा कितना है 100, और 100 पे आदमी क्या कर दे बताओ, डिस्काउंट दे दे, तो उससे लॉस हो जाएगा। इस कंडीशन में तो कंपनी डूब जाएगी, समझ रहे हो? तो उसको प्रॉफिट करने के लिए क्या, कि वो जैसे 100 रुपये की वर्क की थी चीज, ठीक है, इस पर डिस्काउंट देगा, डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट होता है उसको। इसका मतलब क्या होता है कि उसने एमआरपी जो है ना वो सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा रखी, चाहे कितनी भी ज्यादा रखे वो तो दुकानदार के मन की बात है। क्या बताया मैंने, एमआरपी जो है ज्यादा रखे किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। समझना अच्छी तरह, बेसिक समझने आ गया ना, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। ये समझ में आया ना कि क्या चीज, डिस्काउंट हमेशा बट्टे किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे दिया जाएगा। और दूसरी बात क्या बताई मैंने आपको, दूसरी बात मैंने ये बताई आपको, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस में निकाला जाता है। ठीक है, हम क्या बहुत से सवालों में क्या किस पे पूछ लेता है, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस पे भी पूछ लेता है कि प्रॉफिट या लॉस बताइए, तो उसका कोई मतलब होता, वो रियल नहीं होता, वो फेक हो, मतलब रियल फेक भी नहीं कह सकते, पर वो रियल हमारा क्या नहीं होता है, प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पे हमारा निकाला जाता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालना चाहिए। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहां से आगे हुआ तो आगे चलते हैं, और आगे क्या बताने वाले हैं वो एसआई। एसआई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या बताऊंगा मैं आपको, सिंपल इंटरेस्ट में ओनली इतना बताना चाहूंगा कि सिंपल इंटरेस्ट को बोलते हैं साधारण ब्याज। एक होता है इसमें पी, पी को बोलता हूं मैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को बोलते हैं क्या, मूलधन। एक होता है ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट को बोलते हैं मिश्र धन, मिश्र धन। अब एक होता रेट, आर आर को बोलूंगा मैं रेट, रेट का मतलब होता दर से। ठीक है ना, एक होता टी, दुनिया जानती है टी का मतलब टाइम से, यहाँ हो गया समय।
ठीक है। अब एक चीज जानना, इसमें क्या चीज है। मैं कहता हूं कि जो अमाउंट होता है ना वो प्लस पी प्लस एस आई का सम होता है। मतलब इसका मतलब क्या होगा, अमाउंट इज ग्रेटर देन एस आई, अमाउंट इज ग्रेटर देन पी। ठीक है। अब एक चीज और, जो हमारा साधारण ब्याज होता है, जो हमारा, अच्छा नेक्स्ट पेज पे करते हैं, जो हमारा साधारण ब्याज होता है एस आई, एस आई हमारा था आर टी परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज करूंगा। जो हमारा साधारण ब्याज होता है वो आर टी होता है, समझ रहे हो ना, आर टी जो होता है हमारा साधारण ब्याज। मैं कहूंगा 500 पर 2 वर्ष के लिए, ठीक है, कितने 5% दर से, वार्षिक दर है ठीक है, से ब्याज क्या होगा। तो मैं कहूंगा कि ब्याज क्या होगा, मैंने कहा बताया ब्याज होता है ऐसा ही, ये होता मैंने होता है आर टी परसेंट। तो आर तो 5 है और टी 2, मतलब 10% हो जाएगा। तो इसका 10% निकालेंगे तो आप आओगे 50, आंसर करता हूँ। समझते हो ना इस बात को मेरी को, तो आप इस बात को समझना, जो हमारा ब्याज होता है वो आर टी परसेंट होता है। ये बहुत ही यूनिक चीज है, इससे आपको बहुत मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन से, मतलब इस कंसेप्ट से बहुत मजा आने वाला है। जो हमारा ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज की बात हो रही है, ये हमेशा आर टी परसेंट होता है। यही बहुत यूनिक चीज है जो अभी तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी ये चीज। चलो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और किसी को पता होगी तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ, ये थोड़ी नहीं कह रहा हूँ मैं ज्ञाता हूँ, ठीक है ना। चलो आर टी परसेंट बताया मैंने, ब्याज होता है, ठीक है। अब मैं इसकी एक लीनियर इक्वेशन बताता हूँ, लीनियर इक्वेशन। अब मैं आपको इसकी लीनियर इक्वेशन बताता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी, पी अपॉन 100, ठीक। अब एस आई अपॉन आर टी परसेंटेज इक्वल टू ए अपॉन 100 प्लस आर टी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। देखो क्या है कि कोई फॉर्मूला याद करने में दिक्कत होती है, मतलब सॉरी जो मतलब दिमाग ज्यादा नहीं चला पाता, नहीं, हमें फॉर्मूला ही चाहिए, तो मैंने ऑलरेडी ये लिख दिया। इसी अकेले फॉर्मूले से पूरा प्रॉफिट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इसी से होगा, इसी से ऑनली, इसी लीनियर इक्वेशन से। आप देखो कैसे, ये तो हम तभी बता पाएंगे जब क्वेश्चन आना शुरू होगा, ठीक है, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। मैं बताऊंगा आपको कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके आप सिंपल इंटरेस्ट को खत्म करोगे, है ना। चलो तो ये आया, ठीक है। और लोग इसको भी यूज करते हैं, किसको, पी आर, सॉरी पी आर नहीं, एस आई लोग यूज करते हैं, एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। मैं कहूंगा क्यों यूज कर रहे हो इसको, मैं कहूंगा कि इन दोनों को ले लो क्योंकि दोनों बराबर है। अब आप कहोगे पी अपॉन 100 एस आई अपॉन आर टी, ठीक है। मैं कहूंगा इसका गुणा इधर चला गया, तो आप कहोगे पी आर टी अपॉन 100 इक्वल टू एस आई। ये आ गया कि नहीं आ गया, ये किससे आ गया मेरा, ये दोनों दोनों सेम हो गए। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ भी याद ना करते हुए ये याद कर लो, काफी बेटर रहेगा लीनियर इक्वेशन को, ठीक है ना। नहीं आया समझ में, आ जाएगा, टेंशन मत लो, क्वेश्चन आएंगे ना फिर और अच्छे से समझ में आएगा। अभी मैं केवल जो हमें पढ़ना है परसेंटेज में उसके बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मेरा कंसेप्ट क्या रहेगा, फॉर्मूलों का कम यूज करना होगा, ठीक है, बेस से ही हवा में क्वेश्चन उड़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो चलते हैं, अब आता है एस आई।
एसआई में क्या होगा, देखो एसआई में क्या होगा, एसआई में बहुत ही अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, पढ़ेंगे ये वाला, ये 3 वर्षों का है। जैसे कि पहले वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान के चलो 10% है, ठीक है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1,000 का 3 वर्ष का CI क्या होगा, तो मैं इसमें क्या करूंगा, कुछ नहीं, पहले वर्ष 10 10 10, आप कहोगे 10 का 10% निकालू तो आप कहोगे यहाँ एक एक, तो यहाँ 2 का गुणा हो जाता है। फिर मैं कहूंगा इसका 10% निकालू तो आप कहोगे 0.01। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, ये पहली रो होती है ना, ये वाली पहली रो ये होती है SI, ठीक है, और जो बच्चे कुछ होता ना, ये होता डिफरेंट, किसका, CI और SI का, ठीक है। अगर मैं इस पूरी को मिला दूं, इस पूरी को, मतलब पूरी को कौन सा मतलब, मेरा इस पूरी से मतलब है, ठीक है ना, इस पूरी से मतलब ये हो जाएगा CI। तो अगर मैं CI की बात करूं ऑनली, तो आप कहोगे 10 दूनी 20 30, और 3 ही हो गए 31.1, 31.1। अगर मैं कहूं कि SI क्या होगा, आप कहोगे आपने बताया था पहली रो SI होती है, तो 30%। अगर मैं कहूं इन दोनों का डिफरेंट क्या होगा, आप कहोगे कि सॉरी ये 3 हो गई ना, 33 हो गया ना ये, तो ठीक है रफर क्लिक देता हूँ 33.4। अच्छा मैं कहूँ आपसे कि इनका डिफरेंट क्या होगा, आपने कही थी कि पहली वाली रो को छोड़ के सभी को जोड़ दो, ठीक है, तो मैं इनको जोड़ता हूँ, पहली वाली रो को छोड़ दिया मैंने, इन सभी को जोड़ दिया, तो आप कहोगे इनका जो डिफरेंट होगा CI और SI का 3.41। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो मैंने डिफरेंट का भी बता दिया, इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया परसेंटेज का, अब आगे खूबसूरत से सवाल लेते हैं सारे, बेस से करेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हमारे चैनल को शेयर भी करो, जिससे कि देखो हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ज्यादा लोग व्यू करेंगे, मतलब देखेंगे, तो हमें क्या लगेगा कि हमारे वीडियो बनाने का कोई पर्पस है, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। जब लोग देख रहे नहीं है, पसंद नहीं कर रहे हैं, तो उससे मोटिवेशन थोड़ा डाउन होता है, इस बात को आप भी समझते हो, ठीक है। अगर चाहते हो आप जो हमने बताया उसे डिटेल में करें, अच्छे से तो करें, बिना फॉर्मूले के मैथ के क्वेश्चन निकालें और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से निकालें, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ें, जिससे कि आप क्या है आने वाली वीडियो टाइम से टाइम देख सके। चलो मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ अगली नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ रहे।